वेलकम टू नॉलेज यू मस्ट नो। हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक वायसराय आया था और उसका नाम था लॉर्ड मायो। और जब वो सेलुलर जेल जो कि अंडमान निकोबार में था, है ना, काला पानी एक जगह थी, वहां पे वो इन्वेस्टिगेट करने गया तो वहां पे कैदियों ने घेर कर उसे मार दिया। अच्छा बताओ, जब किसी वायसराय की हत्या हो जाए तो ये लोग और अलर्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो अगला जो वायसराय आया उसका नाम था लॉर्ड लिटन, और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1876 से 1880। आते ही पता है इसने क्या काम किया? सबसे मतलब प्रमुख काम किया था। देखो, भारत उस समय गन बगैर चल मतलब जो गन था वो लेकर चलते चलने वाले में से, मतलब किसी के पास लाइसेंस नहीं होती थी, मतलब गन वगैरह लेकर चलने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता थी क्या उस समय? नहीं थी भाई। देखो, जिसका जितना मन हो गन लेकर चले। ऐसे पता भाई पता लगा कि कोई रिवॉल्वर हाथ में लेकर चल रहा है, कोई AK-47 इधर से उधर करते चल रहा है, इनको लगा भारतीयों का क्या भरोसा भाई, है ना। मान लो कोई अंग्रेज जा रहा है और एक भारतीय जा रहा है गन लेकर मस्त अंदाज में, अंग्रेज को देखा, उसके सामने देखा दूर दूर तक कोई नहीं, पीछे देखा दूर दूर तक कोई नहीं, अंग्रेज गया। आज के बाद लॉर्ड लिटन भारत में आते ही एक एक्ट पारित किया था और उसका नाम था शस्त्र अधिनियम। और देखो क्या था इसमें, कि इसने भाई कहा कि पब्लिक के पास गन नहीं होगी इसमें, और उसी के पास होगा जो अप्लाई करेगा। तो सोचा जाएगा भाई कि गन दिया जाए या ना दिया जाए। सारे भारतीयों की गन जमा कर ली गई। अच्छा पता था इसको कि अगर जनता क्रांति करेगी तो खतरनाक काम हो जाएगा। और इसी दूसरी बात कि आप जानते हैं कि जनता को भड़काने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? एक ही तरीका था, न्यूज़पेपर। और आज के जमाने में तो भाई ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है ना। और यहाँ पे यदि देखो, आज तो ऐसा होता है कि एक कोई ट्वीट भी कर दे कोई नेता, यहाँ बैठे कोई दिल्ली में करे, तो यहाँ से पहुंचने के बाद डायरेक्ट यूपी में वहां पे तुरंत मारपीट शुरू हो जाएगी, तुरंत लड़ाई शुरू हो जाएगी। आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन उस टाइम पे न्यूज़पेपर जो थे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। क्योंकि न्यूज़पेपर, देखो न्यूज़पेपर निकलते थे वो भी लोकल लैंग्वेज में, और सारी लोकल लैंग्वेज जो थी अंग्रेजों को तो आती नहीं थी। एक न्यूज़पेपर में लोकल लैंग्वेज में कोने में निकल गया भाई, मान लो कि कल भाई देखो न्यू दिल्ली रामलीला मैदान में कई अंग्रेज हैं, कुछ को कम करते हैं, अंग्रेजों को पता भी नहीं चलेगा, दो चार अंग्रेज कम हो जाएंगे। और इस व्यक्ति ने जितने भारतीय समाचार पत्र थे सख्त तो रोक लगा दिया, सब पर रोक लगा दिया। जो भी समाचार पत्र इधर उधर की खबरें मतलब निकालेगा उस पर क्या हो गई, रोक लगा दी जाएगी। और इस एक्ट को कहा गया वर्नाकुलर एक्ट। जनता पर कंट्रोल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, इनको जनता से खतरा है। तो देखो यहां पे कि इसने दो महत्वपूर्ण काम किए थे लॉर्ड लिटन ने, कि इसने क्या किया था कि पहला तो वर्नाकुलर एक्ट इसने पारित किया और दूसरा शस्त्र अधिनियम। अब देखो इन्होंने ये दोनों काम करके कंट्रोल बढ़ाया नहीं बढ़ाया, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब ये लोग धीरे धीरे सिस्टम पर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। और कंट्रोल कर ही लिया है, अभी आप लोग पूरा समझ जाओगे। अभी तक देख रहे हैं आप लोग इनका टैलेंट, अभी आगे इंडियन लोग अपना टैलेंट दिखाएंगे, आगे देखते जाना। तो हम आगे देखते हैं, आगे के एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो देखो सारे वायसराय को नहीं पढ़ा, एक तरफ से पढ़ोगे तो भाई हिस्ट्री देखो इंपॉर्टेंट, हम फैक्ट ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से पढ़ना शुरू करोगे तो फिर हिस्ट्री मतलब देखो हिस्ट्री पढ़ने के लिए देखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। और सबसे बात होती है कोई भी चीज पढ़ने इसके लिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है। ये नहीं कि भाई एक भी सब्जेक्ट तुम ले लो और उसको पढ़ना शुरू करो तो उसके लिए तो आपको पूरा मतलब कि 5 10 15 साल लग जाएंगे और फिर भी कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। देखो कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो जो क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुरंत हो जाएगा। तो हम आगे के एनालिसिस आगे करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।